हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट ट्यूटर ललित गोपा स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल साइंस प्लस एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में जब 10th क्लास का वीडियो हमने देखा था, उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, कैसे हम उनको बैलेंस करते हैं और क्यों हम जो है केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ये केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। सो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब ये जो रिएक्शंस है, सबसे पहली इसमें आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं या कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल जरूर देखेंगे इस कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पर देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, जब इसको वाटर में डाला जाता है, या हम ऐसे कहें जब कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करवाई जाती है, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दो, रिएक्टेंट दो हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, और प्रोडक्ट क्या है, एक है, क्या है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जब दो रिएक्टेंट ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा क्विक लाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और स्लेक्ड लाइम का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम सिलेक्ट लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, इसी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो इस रिएक्शन में सिलेक्ट लाइम जो बना, इसको कहाँ यूज किया जाता है, यहाँ पर ये चीज जरूर हम डिस्कशन करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम is used for white washing of walls, दीवारों पे जब आप white wash करवाते हैं, उस पे किसका use करते हैं, इसी slaked lime का use या calcium hydroxide का use करते हैं। आपने notice किया होगा, जब भी हम slaked lime का use करते हैं, तो एक या दो दिन के बाद में जो walls है, दीवारें हैं, वो चमकने लगती है। चमकने का मीन्स क्या हुआ, वाइट कलर उनका अच्छे से जो है हमें दिखने लगता है। क्यों होता है ऐसा, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि सिलेक्ट लाइम है, रिएक्ट्स स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। ये क्या बना देती है, स्लोली रिएक्ट करती है, तो जैसा कि हमने कहा एक दो दिन के बाद में चमक आती है, तो क्या बन जाता है, एक थिन लेयर बन जाती है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार पर, जिससे वो चमकने लगती है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, आइए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, CO2 से, कौन सी CO2, एयर में जो है, क्या प्रोडक्ट बना, CaCO3 मींस कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी एक थिन लेयर बन गई, तो इस कारण से
स्लेक द लाइम की जो है थिन लेयर हम जब उस पे चढ़ाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दीवारें जो है वाइट कलर में शाइनिंग करने लग जाती है। तो ये भी एक अच्छा हो सकता है एग्जांपल। एक कुछ एग्जांपल, मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान में रखना है हमें ये। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ कोल, जो नेचुरल कोल होता है, कार्बन होता है, जब उसकी बर्निंग होती है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ वाटर, क्या होता है, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बनता है, वाटर जो है फॉर्म्ड होता है। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ें तो इनके एग्जांपल्स हमें जरूर देखना है और उनको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में जरूर लिखना है। अब यहाँ पर एक बात और देखिए आप, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, जो हमने सबसे पहली रिएक्शन में लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हमने क्या नाम दिया, क्विक लाइम का, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सर वार्म। क्या होता है, जो वाटर का और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सर होता है वो क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों, सो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें किसका इवोल्यूशन होता है, हीट का इवोल्यूशन होता है, जैसा कि क्विक लाइम के बारे में अभी हमने देखा, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक, ध्यान दें हीट इवोल्यूट होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, आपको पता है फूड जो है हमें जो है एनर्जी देता है। क्यों देता है, फूड के जो भी कंपोनेंट है, जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उस ऑक्सीजन के कारण टूटते हैं सिंपल पार्टिकल्स में। तो जब डाइजेशन होता है फूड का तो एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, तो इसे भी हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए यहाँ पे, ये भी ध्यान में रखना है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल मैटर का मींस क्या हुआ, प्लांट्स वगैरह के, या जो भी वेजिटेबल्स प्लांट्स है उनकी लीव्स स्टेम्स वगैरह जब गिर जाते हैं नीचे तो सोइल में उनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डीकम्पोजिशन करते हैं और उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपोस्ट में। ये कंपोस्ट क्या है, ऑर्गेनिक मेन्योर है ना। तो उस डीकम्पोजिशन में भी क्या होता है, हीट इवोल्यूट होती है या उसका इवोल्यूशन होता है, इसलिए इस डीकम्पोजिशन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने आज इस टॉपिक में पढ़ा, सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है जिसे हमने क्या नाम दिया, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर लिए और उनसे हमने समझा कि ये कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन कैसे हमारे आसपास होती है। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे इस YouTube चैनल साइंस प्लस एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।